गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है बुआ? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इज बेसिकली द फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इसमें हम लोग सेमीकंडक्टर और उससे बनने वाले डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ जानते हैं? नो सर। नो। आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, ऑब्जेक्ट्स को हम 3 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आप जानते हैं। कंडक्टर जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पार करने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं अपने थ्रू, जबकि इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को नहीं पास, इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास नहीं करने देते हैं। जबकि सेमीकंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कम मात्रा में फ्लो करने देते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम अपने डिजायर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार हम सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसको हम ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने रखा एक कंडक्टर, यहाँ पर एक दूसरा मटेरियल हमने लिया इंसुलेटर, और एक तीसरा मटेरियल लिया सेमीकंडक्टर। अगर यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं तो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से फ्लो करने देगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को हम यहाँ सप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी इस एंड से इस एंड पार कर जाएगा। इंसुलेटर में अगर हम यहाँ पर कितना भी हाई वोल्टेज अप्लाई कर दें, ये इस साइड उसको फ्लो करने नहीं देगा, समझे? जबकि यहाँ पर ये फ्लो करेगा। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं कि सेमीकंडक्टर को हम अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे हम इसको ऑर्डर अगर करें कि आप जब इधर से करंट का फ्लो हो तो आप फ्लो करने देना, अदरवाइज अगर इधर से हो तो आप उसको फ्लो करने मत देना। अगर धूप पड़े तो आप करंट का फ्लो करना, अदरवाइज मत करना। इसी बेस पर हमारे सोलर पैनल्स बने हुए हैं। देखते हैं, दिन में जब धूप का समय होता है तो सोलर पैनल चार्ज हो रहा होता है ना। उसी तरह से अगर हम इसको ये ऑर्डर कर दें कि अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देना, अदरवाइज मत करने देना। सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसको हम अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी जो होती है मेटल से, यानी कि कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, समझे ना? यानी कि ये सेमीकंडक्टर जो होते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के मटेरियल्स हैं। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स इज बेसिकली द फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स दैट हैज रियली रिवोल्यूशनाइज्ड आवर मॉडर्न लाइफ। हमारा जो मॉडर्न एरा है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक एरा के नाम से भी जानते हैं। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि मटेरियल्स के नाम पर हमने एरा का नाम, यानी कि एजेज का नाम रखा, टाइम का नाम रखा। जैसे स्टोन एज, आपने हिस्ट्री में पढ़ा स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, उसी तरह से आज का जो मॉडर्न लाइफ है इसको हम सिलिकॉन एज कहते हैं। सिलिकॉन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, कंपोनेंट है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। आज के समय में ईच एंड एवरी थिंग हैज़ बीन इन कंप्यूटर कंट्रोल। ओके, ईच एंड एवरी थिंग इज डन बाई द कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, चाहे हमारा आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे ATM कार्ड हो, है ना, हमारे सेलफोन्स हों, या फिर हम आज अपने घर को लाइट करने के लिए, घर को लाइटेड करने के लिए जिस बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, LED बल्ब्स, बैटर, है ना, इन सब का हो, CFL हो, इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। ये सब के सब इलेक्ट्रॉनिक्स के आधार पर ही इनको डिज़ाइन किया गया है, उनको बनाया गया है, है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, आपने सुना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO ने चंद्रयान को लॉन्च किया, मंगलयान लॉन्च किया गया, वहाँ से बहुत सारे सैटेलाइट्स छोड़े गए स्पेस में, तो ये सब के सब इलेक्ट्रॉनिक्स के हेल्प से ही छोड़े गए, है ना। उसी तरह से आज जो हम लोग
कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं डेट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। हम अर्थ से आउटर स्पेस में मैसेज भेज सकते हैं, मैसेज रिसीव कर सकते हैं, वहाँ पर जो सैटेलाइट हमने भेज रखे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको धरती पर बैठे ऑर्डर कर देते हैं कि ऐसे करो, है ना। इस तरह से हमने क्या देखा, इन सब क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम अपने चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से घिरे हुए हैं, चाहे वो हमारा टेलीविज़न हो, चाहे हमारा लैपटॉप हो, पीसी हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स के एडवांटेजेज हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, साइंस इज बून एंड कर्स एज वेल, यानी कि विज्ञान हम सब के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है, ये हम पढ़ते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भी कुछ ऐसा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के हेल्प से ऐसे ऐसे वेपन्स बने हैं जो कि ऑटोमेटेड हैं, ऑटोमेटिक काम करने वाले हैं, सेंसर्स के आधार पर हैं, एक से एक डेंजर से डेंजर मिसाइल्स बनाए गए हैं। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स हमें सुविधाएँ देता है, वहाँ पर इसका दूसरा फेस एक डेंजरस फेस भी है। तो हमने देखा कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे जीवन को खुशहाल भी बनाता है और आसान भी बनाता है, आरामदेह भी बनाता है, वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे लिए खतरे की स्थिति भी उत्पन्न करता है। ओके, खैर, जैसा कि हम सब जानते हैं, ईच एंड एवरी क्वाइन हैज़ टू फेसेस, पॉजिटिव एंड निगेटिव, बट एज ए ह्यूमन बींग वी शुड ऑलवेज एक्सेप्ट पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लाइफ। ओके, सो अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के डेफिनेशन को समझते हैं। तो कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू वैक्यूम, गैसेस एंड सेमीकंडक्टर्स। देखिए, जैसे जैसे हम आगे क्लास में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम वैक्यूम से, गैस से या सेमीकंडक्टर से कैसे, मतलब कि पास कराते हैं, समझे ना। वैक्यूम ट्यूब क्या था, ये डायोड क्या थे, ट्रायोड क्या थे, पेंटोड क्या थे, इन सब डिवाइसेस के बारे में हम अपने अगले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ समझते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोगों को पढ़ना है। तो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की वो शाखा है, वो ब्रांच है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो की चर्चा करते हैं। कहाँ से, तो निर्वात से, यानी कि वैक्यूम से, गैसेस से, गैस से होकर के, और सेमीकंडक्टर से होकर के। ओके, ट्वेल्थ क्लास के इस सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स को तीन पार्ट में पढ़ना है। वो कौन कौन से हैं बाबू? फर्स्ट पार्ट है सॉलिड, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, एंड थर्ड इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके,